बीच ऋषि पंचमी के दिन महिलाएं ऋषि पंचमी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर साल ऋषि पंचमी व्रत हरतालिका गौरी व्रत रखती हैं। दूसरे दिन यह व्रत हर साल विदर्भ के काशी मार्कंडेश्वर देवस्थान वैनगंगा नदी के तट पर मनाया जाता है। मार्कंडेश्वर देवस्थान समिति के अध्यक्ष गजानन भांडेकर, सचिव मृत्युंजय गायकवाड़, संयुक्त सचिव रामूजी पाटिल तेवाड़े, देवस्थान ट्रस्ट के पुजारी श्रीकांत पांडे महाराज उपस्थित थे। इस वर्ष 1 सितम्बर को ऋषि पंचमी का व्रत होने के कारण ऋषि पंचमी का व्रत रखने वाली महिलाएं एकत्रित हुई है और यात्रा का स्वरूप सामने आया है। कोरोना के कारण पिछले साल महिलाओं को छोड़कर ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया गया था। इस वर्ष ऋषि पंचमी का व्रत 1 सितंबर को रखा गया है। भाद्रपद में शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। आमतौर पर यह व्रत गणेश चतुर्थी के अगले दिन और हरतालिका व्रत के 2 दिन बाद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत महिलाओं के लिए शाश्वत सौभाग्य लाता है। इस दिन देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती। पंचमी के दिन सप्तऋषि की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार ऋषि पंचमी के दिन शुद्ध मन से व्रत करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं और स्त्रियों को शाश्वत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस वर्ष ऋषि पंचमी 1 सितंबर को मनाई गई। ऋषि पंचमी का दिन व्रत करने के लिए शुभ होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर महिलाएं यह व्रत ऋषि पंचमी के दिन करती हैं तो उन्हें सुख शांति और शाश्वत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सवशना महिलाएं इस व्रत को करती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। सप्तऋषि का आशीर्वाद लेने और सुख शांति और समृद्धि के लिए महिला दिवस पर महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। इसमें पूजा के बाद ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनी जाती है और पंडितों को भोजन कराकर व्रत मनाया जाता है। यह व्रत अविवाहिता महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण और फलदायी माना जाता है। हर साल ऋषि पंचमी का व्रत मार्कंडेश्वर मंदिर में मनाया जाता है, जो मर्कदा देव में वैनगंगा के तट पर स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है। ऋषि पंचमी के दिन पुलिस निरीक्षक विपिन शेवाले, पुलिस उप निरीक्षक सुधीर साठे, सहायक फौजदार शालीराम गिरडकर, पोहवा वैलादी दिलीप खोबरागड़े, वीरकांत साकरे, नजीर पठान, जीवन हैडो, सुमित गायकवाड़, संदीप भिवनकर, राय सिंह यादव, महेंद्र मोहनदास, शिंदे कमला, रमाकांत के मार्गदर्शन में गेंद साकी राठौर और पुलिस मुख्यालय के पुलिस स्टाफ और होमगार्ड के जवानों ने अच्छी व्यवस्था की थी। चामोशी से BCN न्यूज के लिए बबन वडट्टीवार की रिपोर्ट।